ऊपर जा। मैं जा, आप मुझे सोचा आप अंदर हो। तुम क्या कह रहे हो अंदर, तो ऐसे भाग रही हो। गाइस ये हमारा फर्स्ट मिनी व्लॉग बनी है ये। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज चुके हैं, घड़ी मेरी अभी चल नहीं रही, अभी इसको अपडेट करना पड़ेगा। अभी सुबह के शायद 7:30 बजे हैं और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। जो हमारी छोटी सी फैमिली है वो बोलती है व्लॉग करो व्लॉग करो व्लॉग करो। हमने सोचा कि चलो आज से हम व्लॉग करते हैं। इसे करते हैं बहुत टाइम बाद, तो हम आपको बताते रहेंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमारी गाड़ी आने वाली हो, देखो जिसने हमें पूरा आधे घंटे वेट कराया है। पता होता तो मैं आधे घंटे सोती कम से कम। गाड़ी आ गई है। मैं हवाई जहाज की तरह ये भी करूँगी वो भी करूँगी ये वो। अब मैं पूरी पंचर हो चुकी हूँ और मुझे अभी चले हुए 10 मिनट भी नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, और मुझे नींद सी आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं सो और 10 मिनट में जहाँ मुझे पहुँचना है मैं पहुँच जाऊँ। अरे पीछे कौन है, इसका हाथ है, ये मार खाएगा, कौन है पीछे ये? हाँ नहीं कर आप लोग। सो गाइस बहुत जोरों की भूख लगी है और अभी तो बहुत सुबह है ना, तो दुकानें भी बंद है, क्या करें हम बताइए। अब ज़रा कुछ खाने के लिए लेके आइए हमें। हाँ मैं हाँ तो दे दो और आग दे तो चल। अब जाके 1.5 घंटे के बाद उतरने का मौका मिला है। अभी देखो सब आस्ते आस्ते उतर रहे हैं। अब यहाँ से कुछ खाया जाए। आओ मम्मी सुबह का, अरे इतनी सुबह के टाइम में इतनी धूप कैसे निकल आई? अब हम यहाँ जाएंगे, मुझे लगता है यहाँ कोई भी नहीं है हमारे अलावा अंदर। आपको सीक्रेट बताऊँ, एक जूस कप प्राइस इतना है जितना कि मैं 2 किलो संतरा या 2 किलो कोई भी फ्रूट ले सकती हूँ। फाइनली हमारा नाश्ता आ चुका है। इसको देख के इतनी एनर्जी आई है मेरे अंदर, जो बिल्कुल एनर्जी गायब हो गई थी। भूख में खाने की अहमियत पता चलती है ना। अब आ गई, अब सो गए थे, आस्ते में टूट गया पैक है ना, अब 1 घंटे चल सकता है। सुबह सुबह से ही खाने को इस्तेमाल थे मोबाइल ए भी ना। हाँ पिज्जा मांग रही थी, मुश्किल से डोसे में मनाया इसको। हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, आप देख सकते हो। ये पता है क्यों लगा रखा है यहाँ पे, शेर ना जाए, नहीं शायद बंदरों के लिए, ये ज़्यादा भूल गई, पर हो भी सकता है शेर वेर ना आए। और बाकी सब आगे पहुंच चुके हैं। अब मैंने खाया है बहुत सारा कुछ खाना जिससे मेरे को आई है बहुत सारी एनर्जी, अब मैं चल सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। ये यहाँ पर सर है पुलिस वाले, ये देखिए ये है एक अलग दुनिया। जैसे आपने हैरी पॉटर देखा है ना, वो उसमें पिलर के अंदर घुसते दूसरी दुनिया में चले जाते, सेम ये भी वैसा ही है, सेम। बाय बाय, क्या करेंगे, साथ चलने को आता है साथ। हाँ सही बात है। Thank you.
बहन ट्रक से चले, थोड़ी सी सांस फूल रही है, इसका मतलब ये नहीं है सांस फूल रही है हमारे साथ। एक तो बात सुनो आप, हमारे हमारे साथ ट्रैक पर चलो, एक तो बात सुनो भगवान, एक बात सुन लो, उस पर नहीं जा रहे, उस पर नहीं जा रहे, ट्रैक पे तो चलो। हाँ तो हाँ नहीं टर्न 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 मार जाएंगे, आपको तो सांस नहीं, मेरे सांस चढ़ जाएगी आज। जाओ और हम चारों चलते हैं। अरे वो खड़ी सीढ़ियाँ थी दीदी, वो खड़ी सीढ़ियाँ थी। अरे दीदी एक बात बताओ, हमें आपकी टेंशन है इसलिए तो बोल रहे हैं, वो खड़ी सीढ़ियाँ थी, यहाँ खड़ी सीढ़ियाँ नहीं है, खड़े रास्ते थे वो। अरे हाँ पिया रही है पिंकी, क्या मुझे देखो दुनिया वालों इस तरफ देखो। हाँ एक और गुना का। जब जानवर कोई इंसान हो, मैडम नहीं पहुंचा मैं आप मुझे सोचा आप बंदर हो बंदर है अरे वो बंदर बंदरों की लड़ाई हो रही है। जाओ दीदी डरो मत, हम लोग आपके पीछे हैं। जाओ डरो मत, हम आपके पीछे हैं। जाओ मतलब ऐसे ऐसे करके बैठना था भाई। बहन मम्मी को भी एक सामान दे दे। तो हम आ चुके हैं अपने छोटू से ट्रेन में और अभी हम यहाँ पे शॉर्ट बनाएंगे। रुकी थी आ रही हूँ आ रही हूँ, घोड़ा बुला रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बहुत ठंडा पानी है भाई, ये बहुत ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक गर्म है, कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा ठंडी है। देखो मैंने सोचा था पैदल जाऊंगी, कुछ कैलोरीज कम होगा, समझ में नहीं आ रहा गाइस कैलोरीज कम हो रही है बढ़ रही है, क्योंकि उससे ज़्यादा मैंने कैलोरीज ले ली। गाइस शूट कर रहे थे सामान के लिए, हमने इतना अच्छा कूली ला रखा है ना, उधर देखो बिहाइंड द सीन। अभी यहाँ पे गाइस राजधानी ट्रेन आने वाली है, अगर आप लोगों ने राजधानी ट्रेन नहीं देखी है, मुझे साइड हो जाओ, अभी राजधानी आने वाली है ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो ये देखो बहन जी जगा दो, बाल बाल उड़ जाएंगे उनके, ये देखिए जगा दिया जाए। अरे वाह ट्रेन आ रही है, आपकी फैंस इस ट्रेन में जो आपको हाई करेंगे, देखो सब हाई करेंगे, मेरे फैंस होंगे तो मुझे हाई करेंगे, कितने लोग मुझे जानते हैं, रुको दिखाती हूँ मैं आपको, आई विल शो यू कितने लोग मुझे जानते हैं, पर गवर्नमेंट कभी नहीं किया कभी भी इस बात का मैंने। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने प्यारे से घर पे, ये है छोटू सा बंगलो। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़े से पेड़ पौधे हैं, आइए आइए हम आपको और दिखाते हैं। ये है हमारा बाहर चाय पानी का छोटा सा डाइनिंग, डाइनिंग बोलते हैं इसको nope. क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बोल देना। ये हमारे टेरेस का रास्ता, और ये देखिए ये है, ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ ये है 2 BHK फ्लैट इतने में। ये देखिए ये यहाँ से भी एंट्री, कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए ये देखिए, और आप यहाँ से भी जा सकते हो, डायरेक्ट एंट्री आपकी यहाँ से भी हो सकती है। तो हम यहीं से चलते हैं, आइए 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 आइए, ये है हमारा घर। यहाँ पे महारानी जी अपना श्रृंगार किया करती थी, अब आज मैं करूँगी अपना श्रृंगार। और ये है हमारा किचन, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे क्योंकि हम घर पे भी खाना बनाएं और आके होटल में भी खाना बनाएं तो ये हो नहीं सकता, तो आ जाइए। ये है हमारा डाइनिंग ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सब बैठ के, जो हम लोग घर पे एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, एक साथ बैठ के बातें नहीं करते हैं, हो सकता है यहाँ पे सब एक साथ बैठ के खाना वाना खा भी ले, एक साथ बैठ जाए। और ये हमारा एक और गेट है, हम यहाँ से भी, और देखो भी ट्रेन आने वाली है, आपको यहाँ से बैठ के आप ट्रेन भी देख सकते हो। ये देखिए ट्रेन आने वाली है, ये देखो ट्रेन है ना, कितना अच्छा व्यू है ना, मजा आ रहा है ना। तो चलो अब आपको रूम्स भी दिखाते हैं, मम्मी तो इतनी ज्यादा थक चुकी है, मैं क्या बताऊँ आपको, इधर आओ
एक हमारे ये वाला रूम है, आपके आपका कैमरे पे फेस आ जाए, आपको बहन जी कोई दिक्कत तो नहीं, ये देखिए ये एक हमारा छोटा सा आशियाना है, कबर्ड तो ऐसे बना रखे हैं जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना, ये देखिए, ये अभी हम आपको बाथरूम नहीं दिखा सकते, बाथरूम में कोई है, ठीक है, ये देखो मम्मी की हालत, ये देखिए, और इसको देखिए, ये पलटी पड़ी है रंगोली, रंगोली के रंग बिखरे पड़े हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं, ये हमारा रिसोर्ट है, तो हम दिखाते हैं आपको क्या चल के, मेरे भाई हैं जो जो किचन में ये बातें कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, ये क्योंकि घर वाले सब बाहर हैं, ये बाहर बैठे हुए हैं, और ये देखो असलियत, ये देखो दीदी कुछ बना रही है यहाँ पे, और दीदी क्या बना रहे हो आप, ये क्या बनने हैं, क्या बनने क्या है, दिखने तुझे बताओ किसने बोला वीडियो कॉल करने के लिए, तो वीडियो कॉल छोड़ तो चल क्या रहे हैं। देखो गाइस ये है मामा, आप क्या खा रहे हो, देखना सबको दिखा रहे पीने था, ये यहाँ की सच्चाई कैमरे के पीछे की सच्चाई, सो वीडियो में सच्चाई की क्या बात है, जाकर अपना सामान लेके जा, अच्छे चाय मुड़ी बना रही है, आ रही है भूख भी लगती है ना, फिर तो कुछ मंगाती बस तो खाऊंगी, अरे आते ऐसा फील हो रहा है जैसे ना किसी होटल में तो नहीं अपने घर पे आई हुई, इतनी देखभाल तो मुझे यहाँ आके भी करनी पड़ रही है, फील नहीं हो रही, ऐसा फील ही नहीं आ रहा, ऐसा फील आ रहा है मैं अपने घर पे हूँ, यहाँ ताला वाले लगा के जाना पड़ता, हम जा रहे हैं खाने के लिए, पापी पेट को भूख लग गई है, और ये घर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देख सकते हो, देखो हम कहाँ जा रहे हैं, लखन रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, बिल्कुल सामने हमारे वहाँ से टक्कर पे दिखता है लखन रेस्टोरेंट, तो चलिए तो हम रेडी हो चुके हैं, पता है हमें घूमने जाना था, हम लोग सो गए और हमारी आंखें नहीं खुली, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, पर जितना हो सका है उतना घूम सकते, देखो बाकी के लोग बाहर हैं, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, आज बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा पर बोलना पड़ेगा, हम लोग सच में लेट लतीफ़ है बहुत ज़्यादा, लोग घूम के आ रहे हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, वाह, पर कोई नहीं चलते हैं, शूज़ पहन लिए हैं क्योंकि ऐसे रिश्तों में ना शूज़ पहनो और निकल जाओ घूमने, देखते हैं हम कितना लेट पहुंच पाते हैं। एक बात बताती हूँ आप सभी को, बताती हूँ एक बात अभी क्या हुआ था, ठीक है, मैं अभी आ रही थी, मेरे हाथ में ना एक बैग था और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ पैकेट था, खाने का सामान नहीं था, वो ऐसे ही था, कुछ स्लीपर्स ले रखे थे, सैंडल वगैरह था कुछ ऐसे, पता वो बंदर ऐसे भाग के आया ना, मैंने उसके पास फेंक दिया, ले ले भाई तू ले, पता है उसके बाद ना मैं बाल बाल बची और ना सबके सब हंस रहे मुझे देख के, इसको जान प्यारी है, अब मैं 200-300 के चक्कर में मैं अपने आप को कटवा लेती, उसको लगा खाने का सामान है, और पता है ये दोनों भाई मेरे कमीने भाग गए वहाँ से कह रहे कोई बात नहीं भाई, मैं फिर एक चपेट मारूंगी, बंदर है वो तो अब से डरा के मार रहे पागल थोड़ा पास आके बहन कैसा लग रहा है, हमने जब हम यहाँ पे आए थे ना तब बादल नीचे आए थे, मैं तो इतना डर चुकी हूँ ना बंदर के चक्कर में, हाँ अब तो कुत्ता भी आ रहा है ना मुझे, वो भी बंदर ही दिख रहा है, कुत्ता था वो भी बंदर नजर आ रहा है, मैं ना सही में डर चुकी हूँ, मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है, मुझे तो वैसे हर जानवरों से डर लगता है, बंदरों से कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा, सब भाग गए थे याद है मुझे। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं घर पे, बहुत गलत टाइम पे गए थे हम घूमने के लिए, सब कुछ बंद हो चुका था, बंद भी छोड़ो अंधेरा हो गया था, मैं तो थक गई हूँ, आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, हम कल एक्सप्लोर करेंगे बाकी की जगह, और आज के लिए बस इतना ही, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।